न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। सिंगरौली जिले को मिली मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात, सांसद और विधायक का प्रयास हुआ सफल। धानी में खुशी की लहर छा गई, भाजपा जिला अध्यक्ष ने जताई खुशी। जिले की बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज की मांग हुई पूरी। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। जिले को मिली इस बड़ी सौगात के लिए क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक और सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य और वहीं धोनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम और चितरंगी विधायक अमर सिंह और देवसर विधायक सुभाष वर्मा लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर सिंगरौली जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इस सौगात पर खुशी जाहिर की और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने जिलेवासियों के हित में उठाया ऐतिहासिक कदम। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस जिले में मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज बहुत ही अतिशीघ्र खोले जाएंगे। और मैं आज जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसके लिए मैं विशेष रूप से खोलने की जो अनुशंसा हम सबों को ज्ञात हुई है उसमें मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत अपने जिले की ओर से बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी एवं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी और जो भी हमारे दोनों अन्य विधायक जो चितरंगी विधायक और धोनी विधायक हैं, उन सबों के अथक प्रयास का यह रिजल्ट मिला कि सिंगरौली जैसे जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात है कि हमारे मेडिकल कॉलेज खोले जाने की जो अनुशंसा प्राप्त हुई है। उसके बाद स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबों का यह हक भी बनता है और सब लोग को क्रेडिबिलिटी भी जाती है। और अगर मेरे इस केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज़ को, योजना को जो अभी स्वीकृत करने की ओर है, उसमें अगर कांग्रेसी भाई लोग भी अगर बधाई दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेसियों को भी इस चीज़ के लिए बधाई देना ही चाहिए। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।